हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इसे यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दो गेटों से हम सारी मतलब जितने भी हमारे पास गेट हैं मतलब जितने भी हमारे पास गेट हैं नॉट गेट नॉर गेट एंड और गेट, हम तीनों गेटों को बना सकते हैं इन दो गेट से। ठीक है, तो पहला देख सकते हो आप, ये नैंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, एंड गेट के सिंबल पे ये एक सर्कल लगा दिया। सर्कल लगाने का मतलब क्या है, एंड प्लस नॉट, आप लिख लीजिए ए एन डी एंड प्लस नॉट। एंड का मतलब क्या है, नॉट। एंड का मतलब क्या है, एंड प्लस नॉट। तो क्या हो गया, नैंड गेट। जब आपने एंड गेट और प्लस नॉट गेट को मिक्स कर दिया तो आपका क्या बन गया, नॉट गेट। क्या बन गया, देखिए अगर आप यहाँ पे जीरो दीजिएगा, ठीक है, तो दोनों टर्मिनल पे जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो, क्योंकि ये क्या मल्टीप्लाई करेगा। तो जब दोनों टर्मिनल पर जीरो हो गया तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में जीरो। लेकिन जीरो का इन्वर्स क्या होता है, वन होता है, इसलिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसलिए क्या कहने मतलब, जब आप यहाँ पे जीरो जीरो दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा। तो ये आपका सिंबल है, कहने मतलब एंड गेट यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए एंड गेट से आपको क्या मिल रहा है, इन्वर्टर मिल रहा है, एंड गेट मिल रहा है और गेट मिल रहा है। इन्वर्टर को क्या कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं, इसे एंड गेट कहते हैं, इसे और गेट कहते हैं, सिंबल है। ठीक है, देख लीजिए हम इन दोनों टर्मिनल पर अगर हम ए अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए नॉट मिलेगा। ठीक है, यानी जीरो दिया तो वन मिला, वन दिया तो जीरो मिला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आपने जीरो और वन मल्टीप्लाई, आपने ए और बी दिया तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी का बार, क्योंकि क्या है ये, क्या नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करते हैं, इंटू करके बार देता है। ठीक है, तो जब दोनों पर ये डालो तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी, तो क्या है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो एंड गेट का आउटपुट में क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, यानी जो आप इनपुट में दोगे वो आपको आउटपुट में मिलेगा इनका मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और ये क्या है, ये और गेट क्या करता है, प्लस करता है। ठीक है, तो ए इंटू बी, ठीक है, तो जब ए बार बी बार, ए इंटू बी बार, ठीक है, जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, समझ आया। इसलिए क्या हो गया, ये और गेट हो गया। एंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन दो गेटों को मिलाकर हम कई सारे गेट बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसा हमने अभी नैंड गेट का यूज किया था, और गेट का नॉर गेट का यूज करेंगे। नॉर गेट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक नॉट यूज किया गया है, एक नॉट यूज किया गया, नॉट गेट इसे कहते हैं। इस गेट को यूज किया गया और नॉर गेट यूज किया गया। जब नैंड जब और गेट और नॉट गेट को मिलाया जाता तो उसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है। ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर रखा है लेकिन उसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है, ये बीच में एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सर्कल सा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। इस पूरे सिंबल को नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सारे सिंबल नॉर गेट के ही हैं। ठीक है, नॉर गेट में जब हम ए अप्लाई करेंगे आप देख सकते हो बिल्कुल सेम बना पड़ा, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ही लग रहा है मुझे। तो मुझे नहीं लगता कि इसे कराने की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। अपने इनपुट में ए दिया तो आप आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट प्लस करता है और इनवर्स, प्लस करके इनवर्स करेगा। ठीक है, तो ए प्लस ए, इस ए प्लस ए का इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या है, ऊपर लाइन आ जाएगी, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे ए दोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। कहने मतलब अगर यहाँ जीरो दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, वन मिलेगा। जब यहाँ वन दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सब सेम है, करके देखिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आराम से, इसको अपने कॉपी में उतारिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी क्या करेगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार इसलिए आया क्योंकि क्या है, और गेट क्या करता है, प्लस करता है। ठीक है, प्लस, ठीक है, और नॉट गेट क्या करेगा, बार चढ़ा देगा। बार चढ़ा देगा कहने का मतलब इसका अपोजिट, अगर ये जीरो होगा तो यहाँ वन आएगा, अगर ये वन होगा तो यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, जब ये दोगे ए प्लस बी तो ए प्लस बी का ए प्लस बी, कहने का मतलब देखिए किसकी तरह काम कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है। जो आपने इनपुट में दिया उसका सम आउटपुट में दे रहा है। ठीक है, अभी क्या करें, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो हमने बिल्कुल सेम ये मेथड यूज किया, ये और गेट यहाँ बनाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे एंड गेट बनाया जा रहा है। हमने इनपुट में दिया, इनपुट में क्या करता, प्लस करता, हमको पता है और गेट क्या करेगा, प्लस करेगा क्योंकि और गेट है। तो ए प्लस ए, ए डैश, ठीक है, ए डैश आया, यहाँ क्या बी आया, ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर गेट से तो क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए बार प्लस बी बार का बार, तो क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एंड गेट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते क्या लिख रखा है, एक्स और गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये देखिए एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसी को अभी स्टडी कीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल गेट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर अस।